भाई क्या हुआ आमिर खान के साथ, जो बंदा अपने फिल्म के प्रमोशन के लिए अवार्ड फंक्शन जाता नहीं था, वो अपने लाल सिंह चड्ढा को हिट करने के लिए टिकटॉकर के पास गया था। सब कुछ बताएंगे, पहले वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आमिर खान ने 19 के दशक पे कई सुपरहिट फिल्म दिया, जो आमिर खान के लिए टर्नओवर पॉइंट रहा। और याद तक आमिर खान का इंडिया का सबसे हिट फिल्म दंगल 2000 करोड़ तक कमाया था। जो आमिर खान का सूरज डूबता नहीं था कभी, उसके बावजूद भी उनका हालत ऐसा कैसा हो गया। देखो, लेजेंड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के बाद लोगों का गुस्सा फूटने लगा और लोगों ने एक एक एक्टर को अड्डे पे लिया, जिसमें आमिर खान भी फंस गए। क्योंकि उनका पहला मिस्टेक था पीके में कई बार हिंदुओं के बारे में अनाप शनाप कहना। मुझे पता है पीके में बाकी धर्म के बारे में बोला था, पर 80% बात हिंदुओं के ऊपर ही था। दूसरा मिस्टेक ये रहा कि तुर्की में जाके वहाँ के राष्ट्रपति के पत्नी से मिलना, क्योंकि तुर्की के राष्ट्रपति हमेशा कश्मीर में पाकिस्तान का साथ देते हैं। इसी वजह से लोगों को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। और तीसरा मिस्टेक ये था कि उन्होंने ये कहा कि उनका वाइफ इंडिया में सेफ नहीं है। अभी आप बताओ, इंडिया में सेफ नहीं है तो अफगानिस्तान में या पाकिस्तान में या चाइना में सेफ है? जिस इंडिया में हम इतना फ्रीडम से रहते हैं, हम उसके बारे में अनाप शनाप कह रहे, तो लोगों को गुस्सा तो ज़रूर आएगा। इसी वजह से उनका सारा गुस्सा बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा पर उतार डाला। हालांकि आमिर खान का पूरा लाइफ में ये पहली बार है जो आमिर खान का करियर डाउन होते हुए दिख रहा है, और इसी वजह से आमिर खान इतना डर गए कि वो टिकटॉक के साथ भी अपने फिल्म का प्रमोशन करने के लिए तैयार थे। वो बस ये उम्मीद कर रहे थे कि इंडिया में फिल्म बस एवरेज हिट जाए, पर वो तो बिल्कुल नहीं हो पाया। वो कहते हैं ना, इस दुनिया में कितने ही बड़े थुर्रम खान हो, उसको नीचे झुकना ज़रूर पड़ता है। वही थुर्रम खान आमिर खान बॉलीवुड में थे, पर आज उनका हालत देखो। आपको क्या लगता है, आमिर खान के साथ सही हुआ या गलत? कमेंट ज़रूर कीजिएगा।